खरगोन जिले के नर्सेज स्टाफ विगत दो वर्षों से अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है। ऐसे में मांग न पूरी होने की दशा में स्टाफ ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें गुरुवार को डॉक्टर सहित महकमे के समस्त स्टाफ नर्सेज की मांगों के समर्थन में नजर आया। बता दें कि महामारी के बीच नर्सों ने अपनी सेवाएं प्रदान की और मांग पूरी न होने पर नर्सेज संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इस दौरान नर्सेज की मांगों को समर्थन में उतरे डॉक्टर्स और पदाधिकारियों ने बताया कि नर्सों की मांग पूरी नहीं हुई तो समस्त महकमा कामकाज बंद करके आंदोलन करेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। एसोसिएशन विगत कई वर्षों से, कई महीनों से शासन प्रशासन को अपनी मांगों को लेके आगाह करते आ रहा है और इनकी जायज़ मांगे हैं। जब दूसरे राज्यों में इनकी मांगों को पूरा समर्थन दिया गया है, राज्य सरकारों ने मान लिया है, चूँकि मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारियों की हितकारी मांगों को अनदेखी कर रही है, इसलिए जायज़ मांगों के समर्थन में नर्सिंग एसोसिएशन कई महीनों से सतत चेतावनी देने के बावजूद आज मजबूर होकर आह्वान पर आंदोलन की राह पर आया है और इसमें इन नर्सिंग बहनों के साथ में कर्मचारी जगत का हर अमला, हर वर्ग साथ में है और स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन पूरी तरह इनके साथ में सहयोग से कंधा लगाकर खड़ा है। अगर शासन ने इनकी मांगों को नहीं माना तो निश्चित मान के चलो इन नर्सिंग बहनों के साथ में स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से इनके साथ में रहेगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होगा। क्या नाम है? दिलीप सिंह पंवार, स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन सक्रिय कार्यकर्ता। नर्सिंग स्टाफ ने जिस तरह से कोविड काल में और कोविड काल के पहले और कोविड काल के दरमियान जिस तरह से सेवाएं दी है, तो उनमें अपने स्वयं की जान को दाव पे लगाया है, हर परिवार से कटे हैं, हर परिवार के सदस्य, घर पे छोटे बच्चे भी हैं, वृद्ध माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, कई सारे लोग परिवार के सदस्य सबकी जान दाव पे लगा के उन्होंने सेवा करी है। तो जो उनकी उचित मांगे हैं उनको हम नैतिक तौर पर समर्थन देते हैं। क्या नाम सर आप? डॉक्टर चेतन पटोते, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।